आज हम समाजशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो कि लैटिन और ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस प्लस लोकस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। समाजशास्त्र के बारे में सबसे पहले फ्रांस के बहुत बड़े समाजशास्त्री अगस्त क्रांति महोदय ने सन 1798 ईस्वी में समाजशास्त्र की व्याख्या की। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। इससे पहले कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के बारे में बतलाया था कि समाजशास्त्र सोशल फिजिक्स है। सोशल का अर्थ होता है सामाजिक और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। कथा सामाजिक भौतिकी, लेकिन बाद में इसकी आलोचना हुई और तब अगस्त क्रांति महोदय ने कहा था सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मैकालम पेज ने समाज के बारे में बताया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। अब प्रश्न उठता है कि हम सभी ने समाजशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, इससे पहले हमें समाज और शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। क्या बता सकते हैं कि समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित स्थान पर निवास करता है। क्या समाज कहला सकता है? नहीं कहला सकता है, जब तक उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं नहीं होगी, समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए समाज को व्याख्या करने के लिए पारस्परिक संबंध होना आवश्यक है। इस तरह से समाज की व्याख्या की जा सकती है, अर्थात समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी
पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं हो, तभी समाज का निर्माण हो सकता है। शास्त्र का मतलब क्या है? पुस्तक। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मरीज को हम नहीं देखेंगे, तो क्या ये पारस्परिक क्रियाएं हैं? बताइए। अगर कोई शिक्षक कहता है कि हम विद्यार्थी को नहीं पढ़ाएंगे, तो क्या यह पारस्परिक क्रियाएं हैं? इसलिए समाज के लिए पारस्परिक क्रियाएं अति आवश्यक है। आज देखा जाए तो समाज शास्त्र की पढ़ाई भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, फिर मेरठ में हुई और धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी पढ़ाई शुरू होने लगी। और आज देखा जाए तो समाज शास्त्र का क्षेत्र काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, शहरी क्षेत्र में देखा जाए, तो इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आज जो विद्यार्थी आईएएस की तैयारी करते हैं, समाज शास्त्र को एक पर्सनल विषय में रखकर तैयारी करते हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी काफी मात्रा है। इसलिए हम सभी समाजशास्त्र को आगे बढ़ाएंगे और समाजशास्त्र को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा विषय के रूप में स्थापित करना चाहेंगे जो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में एक अपना पहचान बना। धन्यवाद।